कौन है? एक कदम भी आगे मत बढ़ना। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज जो कि हिंदी में डब्ड है और फ्री में यूट्यूब में HD क्वालिटी में अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं, ये सारी मूवीज की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप देखोगे एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, थ्रिलर, फैंटेसी और साईफाई मूवीज। इन सभी कैटेगरी मूवीज आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम बस ये है, ये सारी मूवीज़ जो हैं अनऑफिशियली तरीके से अपलोड की जाती हैं जो कि कभी भी डिलीट हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज़ को देख लीजिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं मूवीज़ की अमेजिंग दुनिया में। नंबर वन पे आती है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन, एडवेंचर और साईफाई मूवी, दी हंगर गेम्स। इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिल जाएंगी जेनिफर लॉरेंस, एलिजाबेथ बैंक्स, विलो शील्ड्स। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी एक ऐसी लड़की की जो कि अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए एक ऐसे खतरनाक गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है जिसमें उसको तब तक खेलना होता है जब तक कि उसकी या तो उसके अपोनेंट की डेथ नहीं हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक सर्वाइवल मूवीज पसंद आती हैं तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो, क्योंकि जो इस गेम में टास्क दिए जाते हैं उसमें उन कैंडिडेट्स को सर्वाइव करना होता है। तो मूवी, आप इस मूवी को आप सर्वाइवल मूवी भी कह सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.2 की आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही बढ़िया IMDb रेटिंग है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से देख सकते हो। नंबर टू पे आती है 2014 में रिलीज हुई थ्रिलर, एक्शन, एक्टिविटी से भरी हुई मूवी लूसी। इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिलेंगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड स्कारलेट जॉनसन, जिसको आप MCU की मूवी से जानते होंगे। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी दिखाई जाती है स्कारलेट जॉनसन से जो कि पढ़ रही होती हैं ताइवान में। अब ताइवान में पढ़ते पढ़ते उनका एक बॉयफ्रेंड भी बन जाता है जो कि ड्रग्स डीलिंग का काम करता है। अब इसी ड्रग डीलिंग में वो भी काम करने लग जाती है, कौन? स्कारलेट जॉनसन। अब गाइस, स्कारलेट जॉनसन कह लीजिए या फिर लूसी को एक काम दिया जाता है कि उसको ड्रग की स्मगलिंग करनी होती है, उसे यूरोप ले जाना होता है। तो इसीलिए उसके जो पेट में ड्रग्स के 4 पैकेट को डाल के पेट सील दिया जाता है। ठीक है गाइस, मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ तो आप सुन लीजिए, ठीक है। अगर आपको स्पॉइलर नहीं जानना है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, वो चली तो जाती है लेकिन उसको रास्ते में किडनैप कर लिया जाता है, और जो लोग उसको किडनैप करते हैं उनमें से एक किडनैपर उसके पेट में लात मार देता है, जिसकी वजह से जो थैलियां होती हैं ड्रग्स की वो फट जाती हैं उसके पेट में ही। अब जब वो थैलियां फट जाती हैं तो उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है उसकी बॉडी में, उसके बाद जो उसका ब्रेन होता है वो 100% वर्क करने पर लग जाता है। मतलब कि जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो 30% ही वर्क करता है। तो उस ड्रग्स के फटने के बाद, थैली के फटने के बाद, उसका जो ब्रेन होता है 100% वर्क करने लग जाता है और उसके अंदर ऐसी ऐसी पावरें आ जाती हैं जो कि आपको मूवी में ही देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 की आउट ऑफ 10। Access to 28% of my cerebral capacity. I can feel every living thing. Since when did you start writing Chinese? Since an hour ago. नंबर थ्री पे आती है 2012 में रिलीज हुई एक मूवी जो कि हॉरर और एक्शन एक्टिविटी से भरी पड़ी है, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिल जाएंगे बेंजामिन वॉकर, मैरी एलिजाबेथ, डोनमिक कोपर और एंथनी। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है अब्राहम लिंकन से, जिनकी माँ को एक वैम्पायर काट लेता है जिसकी वजह से उनकी माँ जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब गाइस, इसी बात का बदला लेने के लिए जो अब्राहम लिंकन है वो निकल पड़ते हैं उन वैम्पायर्स को मारने के लिए। और गाइस, मैं आपको बता दूं, जो अब्राहम लिंकन होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट के 16वें प्रेसिडेंट होते हैं। तो आप ये बात भी सोच लीजिए, अब कोई प्रेसिडेंट निकल रहा है वैम्पायर को मारने, तो मूवी आप सोच सकते हो कैसी होगी वो। बात करते हैं आगे की स्टोरी की। आगे की स्टोरी में दिखाया जाता है हेनरी नाम का एक वैम्पायर होता है जो कि एक अच्छा वैम्पायर होता है, जो कि इंसानों को नहीं काटता है, ठीक है। तो वो जो होता है अब्राहम लिंकन की हेल्प करता है, उनको ट्रेन करता है कि कैसे उनको वैम्पायर्स को मारना है। तो बस गाइस, इसी के ऊपर बेस करके ये पूरी मूवी है। तो अगर आपको लगता है कि मूवी आपको देखना चाहिए तो आप इस मूवी को देख सकते हो।
बात करें IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.9 की आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे आती है 2011 में रिलीज हुई एक हॉरर और कॉमेडी से भरी हुई मूवी द कैबिन इन द वुड। इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिल जाएंगे क्रिस हेम्सवर्थ, फ्रांस क्रेंच, क्रिस्टन और एना नाम की दो एक्ट्रेस। बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी में दिखाया जाता है 5 दोस्त होते हैं जो कि कॉलेज की छुट्टियों में निकलते हैं अपने वेकेशन पे वेकेशन एंजॉय करने के लिए, लेकिन गाइस उनको नहीं पता होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि एक ऐसा आइलैंड होता है जहाँ पर हर जगह कैमरे लगे होते हैं और वो एक गेम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मूवी में आपको बेहतरीन वैम्पायर और अजीबोगरीब क्रिएचर देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूँ ये मूवी आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप मेरे को इस वीडियो पे दोबारा आके कमेंट करोगे कि हाँ भाई ये मूवी कमाल की है। तो इस मूवी के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि इस मूवी को आप ज़रूर से देखिए। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.10 की आउट ऑफ 10। तो आप देख सकते हो इसकी रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 7 की रेटिंग मतलब सबसे अच्छी मूवी। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये YouTube पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये जो मूवी है आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ YouTube पे, और अगर नहीं हो पाया तो यार उसके लिए एडवांस में सॉरी। नंबर 5 पे आती है 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ। इस मूवी में आपको गाइस ना तो कोई भूत देखने को मिलेगा ना ही कोई चुड़ैल, लेकिन फिर भी गाइस ये मूवी जो है हॉरर कैटेगरी में आती है। बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो इस मूवी में आपको मेन कास्ट में देखने को मिलेंगे स्टीफन लैंग, जेनी लेवी और डायलेन। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी में आपको देखने को मिलेंगे 3 दोस्त होते हैं जो कि छोटी मोटी चोरियाँ करते हैं, लेकिन एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बूढ़े के घर में चोरी करेंगे जो कि अंधा होता है, लेकिन गाइस उनको ये बात नहीं पता होता, ये उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। अब क्यों ये गलती होती है ये आपको ये मूवी में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी हल्की सी भी स्टोरी बता दूंगा ना तो आपका मूवी देखने का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.1 की आउट ऑफ 10। आई होप गाइज आज का ये काउंटडाउन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए भाई कि ऐसे ऐसी मूवीज़ हैं आप देख सकते हो। और गाइज मैं आपको बता दूँ इन सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन जो मैंने 4th नंबर पर मूवी बताई है कैबिन इन द वुड उसका लिंक आपको शायद ही मिले, अगर मैं मतलब कोशिश करूँगा कि वह मतलब आपको मिल जाए उसका लिंक, ठीक है। और नहीं मिल पाया तो मैंने आपको पहले ही सॉरी बोल दिया है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे को मत बोलिएगा। और जो मैंने नंबर 4 और नंबर 5 की जो मूवी बताई है वो भी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर पसंद आने वाली है। मतलब मूवी तो सारी ही अच्छी है जो मैंने लिस्ट की बताई है, लेकिन जो नंबर 4 और नंबर 5 पे है उनकी आप IMDb से भी देख सकते हो, मूवी बहुत ज़बरदस्त है आप देख सकते हो मतलब। और जो नंबर 4 की मूवी है वो आप अपनी फैमिली के साथ मत देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट कर देना, जो मैंने पहले बोल दिया है, मतलब मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।